नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं। इसमें हम लूसेंट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, उसका अगला पार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईडिबल पार्ट ऑफ टर्निप, ईडिबल पार्ट ऑफ टर्निप को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन मॉडिफाइड टैप रूट बोलते हैं। ईडिबल पार्ट ऑफ टर्निप को हम मॉडिफाइड टैप रूट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीमूले, ऑप्शन ए प्लीमूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लैड बोलते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटैटो ट्यूबर इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट बिकॉज, पोटैटो ट्यूबर इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट बिकॉज इट बियर्स स्पायरली अरेंज्ड आइज व्हिच रिप्रेजेंट नोड्स, इट बियर्स स्पायरली अरेंज्ड आइज व्हिच रिप्रेजेंट नोड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई ऑफ पोटैटो को हम क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो आर ऑक्सिलरी बड्स, ऑक्सिलरी बड्स जो होता है आई ऑफ पोटैटो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनक्रैक्टी फोटोसिंथेसिस इज डन बाई स्टेम, स्टेम जो होता है वो क्रैक्टी में फोटोसिंथेसिस करता है, स्टेम से होता है फोटोसिंथेसिस इन क्राइटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम, पोटैटो जो है वो स्टेम है, कैरेट रेडिश और स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम विच इज कॉल्ड, मॉडिफाइड स्टेम के, पोटैटो के मॉडिफाइड स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर, ऑप्शन बी ट्यूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडिबल पार्ट ऑफ टर्मेरिक को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी रिजोम, रिजोम जो होता है ईडिबल पार्ट ऑफ टर्मेरिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंजर क्या होता है मॉडिफाइड स्टेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, ओनियन जो होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, इसमें से मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है? पोटैटो जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइनल प्लांट इज द वन विच, कौन सा होता है बाइनियल प्लांट? कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू ईयर, जिसकी लाइफ साइकिल दो साल में कंप्लीट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनियल प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैप रूट जो होता है किसमें अकर होता है? ऑप्शन ए डिक्टाइलेडन्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लांट दैट फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ इज, अ प्लांट दैट फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ, जो एक बार में अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक बार जिसका फूल होता है, फूल देता है, वो तो कौन सा होता है? मोनो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी मोनोकार्पिक बोलते हैं। अ प्लांट दैट फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ इज, क्या बोलते हैं उसको? मोनोकार्पिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ईडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी फ्लेसी स्केलस बोलते हैं ईडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब स्टोर फूड इन लीफ बेस, ऑप्शन सी
लीफ फेस होता है, बल्ब स्टोर फूड इन लीफ फेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मेनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फोलिक्लैडी बोलते हैं, फाइलोक्लैडी बोलते हैं, ऑप्शन ए फाइलोक्लैडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है? एंथोलॉजी, ऑप्शन डी एंथोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फ्लावर को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट व्हिच डज नॉट बियर फ्लावर इज कॉल्ड, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंप्लीट फ्लावर हैव उसमें एक कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या होता है? एंड्रोसियम एंड जाइनेसियम और सीपल और पीटल दोनों पाया जाता है, सीपल और पीटल दोनों पाया जाता है, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम, सीपल एंड पीटल दोनों पाया जाता है, दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। और कंप्लीट फ्लावर में आप देखिए, ये कंप्लीट फ्लावर में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज क्या है? लोटस, लोटस जो होता है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट लीवेस अकर्स इन विक्टोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन वर्ल्ड इज, सबसे लार्जेस्ट बड़ा फ्लावर कौन सा है? रफेलसिया। लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन वर्ल्ड कौन सा है? रफेलसिया, ऑप्शन ए रफेलसिया जो होता है लार्जेस्ट फ्लावर है पूरे वर्ल्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ईडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर को हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ऑप्शन डी इनफ्लोरेसेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर रिड्यूस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर रिड्यूस किसमें होता है? ऑप्शन डी जीरोफाइटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन्स लीव्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री आर फॉलन ड्यू टू, स्प्रिंग्स रीजन में जो होता है पत्तियां जो है पतझड़ जो होता है पेड़ों में वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटिंग लेयर एक अलग से लेयर फॉर्म हो जाती है उसकी वजह से जो होता है पतझड़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, फ्लावर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सी फ्लावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सैक टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सैक टू स्टिग्मा, हम क्या बोलते हैं इसको? पोलिनेशन बोलते हैं इसको, पोलिनेशन होता है।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलेंसेक टू स्टिग्मा पोलिनेशन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोफाइल एनीमोफाइल पोलिनेशन टेक प्लेस बाई विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटमोफाइल पोलिनेशन अकर्स विथ द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स से होता है, इंसेक्ट्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड चीरियोपेट्रोफिली बोलते हैं पोलिनेशन बाय बैट। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।